सिवान जिले की 10 बड़ी खबरें देखें फटाफट अंदाज में। सिवान जिले के 4 थानों में नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है, इसका पत्र भी जारी हो गया है। जारी पत्र में बताया गया कि कार्य हित में अगले आदेश तक पुलिस पदाधिकारी को स्थानांतरण किया गया है। जानकारी के अनुसार मैरवा थाना अध्यक्ष कुंवनी प्रमोद साह को पुलिस केंद्र जीरादेई, थाना अध्यक्ष कुंवनी राकेश कुमार को मैरवा, थाना अध्यक्ष जामू बाजार थाना के कुंवनी अभिनंदन यादव को थाना अध्यक्ष जामू बाजार व गुट्टी थाना के कुंवनी सोनी कुमारी को जीरादेई थाना के थाना अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले में छापेमारी दल के रूप में कार्यरत 6 शराब विरोधी टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है। चेक पोस्ट से शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। सिवान उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष छापेमारी कर सिवान को धरनी छापर चेक पोस्ट को भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कर्मियों को स्मार्ट मीटर से लाभ दी गई जानकारी। सिवान शहर के तरवारा मोड़ स्थित बिजली कंपनी के प्रमंडलीय सभागार में शनिवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिजली कंपनी के अधिकारियों व कर्मियों को स्मार्ट मीटर से संबंधित समस्याओं के निराकरण के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में वरियस राजस्व प्रबंधक प्रभाष शंकर ने बिजली अभियंताओं को स्मार्ट मीटर से त्वरित गति से बिलिंग, बिजली की दैनिक खपत और अगर किसी कारणवश स्मार्ट मीटर जुड़े बिजली कनेक्शन में बिजली कटने पर कैसे पुनः बिजली सप्लाई बहाल हो, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सिवान जीएम मुकुल कुमार गुप्ता के निर्देश में उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान टीम ने शराब के साथ 2 महिला 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। छापेमारी अभियान से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में उत्पाद अधीक्षक सह इंस्पेक्टर अंकेश कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के रतन परौली से अर्ध निर्मित 60,000 लीटर व निर्मित 10,000 लीटर शराब के साथ लीला देवी को गिरफ्तार किया गया। वहीं महाराजगंज थाना क्षेत्र के रामपाली से 8.625 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ अखिलेश कुमार व अवैध चुलाई 8,000 लीटर शराब के साथ रामवती देवी को गिरफ्तार किया गया। सिवान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने पूर्व जिला संयोजक राहुल चौरसिया के असामयिक निधन पर शहर स्थित शहीद सराय में शनिवार को शोक सभा प्रदेश मंत्री मनोज गुप्ता के संयोजन में आयोजन किया गया। शोक सभा में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता और संघ परिवार के लोग शामिल हुए। उन लोगों ने राहुल चौरसिया के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा को शांति हेतु प्रार्थना की। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के सुरापुर गांव के समीप एक बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को स्थानीय लोगों की मदद से पास के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल महिला की पहचान MH नगर थाना क्षेत्र के हसनपुरा निवासी अनीता देवी के रूप में हुई। सिवान में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या शनिवार को भी बढ़ी। अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 32 हो गया है। मृतक की पहचान महादेवा थाना क्षेत्र के झुनापुर दक्षिण पट्टी बिंदुसार निवासी मुस्लिम मंसूरी के पुत्र साकिर मंसूरी के रूप में हुई। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा इस संबंध में अनभिज्ञता जताई जा रही है। पुलिस प्रशासन द्वारा इसे जहरीली शराब के सेवन से नहीं बल्कि तबीयत खराब होने से मौत बताया जा रहा है, जबकि मृतक के ससुर महबूब मियां, पुत्री सहित पड़ोसी रियाज अहमद उर्फ गुड्डू द्वारा बताया गया कि शाकिर मंसूरी की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई। बता दें कि भगवानपुर हाट प्रखंड के मागर एवं कौडिया पंचायत में जहरीली शराब का सेवन करने से 79 लोग बीमार हो गए थे। भगवानपुर थाना क्षेत्र के पड़ोसी मशरख थाना क्षेत्र के बली विशनपुरा गांव से भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में शराब की आपूर्ति होती थी। इस मामले में महाराजगंज के पुलिस इंस्पेक्टर सह भगवानपुर थाना के प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पड़ोसी मशरख थाना क्षेत्र के बली विशनपुरा गांव का मंटू सिंह भगवानपुर थाना क्षेत्र में शराब की मुख्य आपूर्ति करता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि बिलासपुर से गिरफ्तार शराब तस्कर रजनीकांत की पत्नी माला देवी ने स्वीकार किया है कि उनके घर से शराब की बिक्री होती है। उन्होंने बताया कि माला देवी के अनुसार बली विशनपुरा निवासी फरार शराब तस्कर मंटू सिंह बड़े थोक आपूर्ति करता है, वह कच्चा माल देता है जिससे पानी मिलाकर बेचा जाता है। भूमि विवाद निपटारा शिविर में कई मामले की हुई सुनवाई। सिवान जिले के बड़हरिया, हुसैनगंज समेत कई स्थानों में शनिवार को भूमि विवाद निपटारा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि से संबंधित कई मामले की सुनवाई की गई। जानकारी के अनुसार बड़हरिया थाना परिसर में अंचलाधिकारी सरफराज अहमद की देखरेख में भूमि विवाद निपटारा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 6 मामले आए, इसमें 5 का ऑन द स्पॉट निष्पादन कर दिया गया। साथ ही एक मामले में अगला शनिवार को पूरे कागजात के साथ आने की सलाह दी गई। जहरीली शराब कांड का मुख्य दोषी है प्रशासन। डॉक्टर महाचंद भगवानपुर हाट प्रखंड के करीब 8 गांव में जहरीली शराब पीने से करीब 2.5 दर्जन से अधिक लोगों की मौत होने का एकमात्र जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। यह बात पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह ने शनिवार को खैरवा गांव स्थित
मुसहर टोली में जहरीली शराब से मौत के शिकार हुए 11 लोगों के आश्रितों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही उन्होंने कहा कि मुसहर टोली में अकेले 7 लोगों की मौत हुई है, शेष 4 लोग खैरवा गांव में हुई है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन क्या कह रही थी तब जब क्षेत्र में जहरीली शराब की आपूर्ति तस्करों द्वारा की जा रही थी। बिहार न्यूज प्लस से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।